ट्रेडिंग कैसे कर रहे हो? रॉयल्टी बेसिस? रॉयल्टी बेसिस पे नहीं है, बेसिकली कमीशन बेसिस है। I've seen Bicycle Thief. It's an amazing film. And Iranian films, you said like Majid Majidi, Children of Paradise, and Children of Heaven, Color of Paradise. Yeah, but then they're all great filmmakers. They have proved their point. They proved their mettle. But it's not inspired by any film as such. It's a different story. I thought एक ऐसी film बनाई जाए जो एक global level पे भी लोगों को appeal करे. So it's not कि Iranian film से inspired होके की है, but हमें लगा ये कहानी हमने बतानी चाहिए, इसके ऊपर एक film बनानी चाहिए. And by the grace of God, I met the right kind of people, met the right kind of cast, and we went ahead with it. And by God's grace, जी sir. Post the release, yeah, we will be definitely doing the festival circuit. Ayush, who is your favorite hero? Ritik Roshan. Oh wow, तो dance में अच्छे हो? सीखा है? I'm learning dance. Okay, you are the hero. So what kind of heroic feelings do you have? And what exactly do you feel when we say you are the hero? Well, if you're talking about this movie, I help the society a lot. I help my friends. That's what makes me hero, and that's what I feel good for. जी सर, we have a question. Yes. Yeah. Yes. जी जी जी. जी सर. जी नहीं सर, मैंने जैसे कहा था सर का जवाब दिया था. So जब हम किसी कोई कुछ एक ऐसा काम कर जाता है. जी 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 नहीं 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 सर, वो अरे फिल्म देखने के बाद सर मैं चाहूंगा कि हर ऑडियंस बाहर जाए और कहे एक था हीरो, आप भी जाके देखिए एक था हीरो, सालों साल तक याद रखे. जी इसमें इसमें मैं जवाब ऐड करता हूँ. क्या कर रहे हैं कि फिल्म का टाइटल है एक था हीरो, इसमें कैंपेन हम कर रहे हैं जिसका नाम है एक है हीरो. वी ऑलरेडी डूइंग अ कैंपेन ऑन दैट. क्या कर रहे हैं कि हम लोग अलग अलग शहरों में आरजेस के साथ उस शहर का एक हीरो सिलेक्ट करेंगे. हर 10 से 15 साल के बच्चे ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी हीरोइक चीज़ें करते हैं और वो उस शहर के हीरो होते हैं. तो हम करीब 6 शहरों में जा रहे हैं और एक कैंपेन कर रहे हैं. बॉम्बे, दिल्ली, पुणे जा रहे हैं, हैदराबाद, कलकत्ता, और वहाँ पर एक कैंपेन होगी जिसका कैंपेन का नाम है एक है हीरो. तो हम जब जब सिटी टूर्स के लिए जाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त, तो उस शहर से एक हीरो चुना जाएगा जो उस वक्त का हीरो है. सो दैट एक है हीरो विल बी फेलिसिटेटेड बाय द कास्ट एंड क्रू ऑफ एक था हीरो. डेफिनेटली ये भी कैंपेन का पार्ट है. नहीं सर, ये ऑलरेडी है हमारे सर. पीपीटी खोल सकते हैं यहाँ पर. हाँ, हमारा पीपीटी देख सकते हो. उसमें हम एक्चुअली 20 20 साइकिल्स हम लोग कॉन्टेस्ट के लिए रख रहे हैं. अलग अलग मल्टीप्लेक्सेस में ये डिस्प्ले होगी और उस शहर में जो भी एनजीओज हैं उनके साथ टाइप किया है और ये साइकिल्स हम प्रेजेंट करने वाले हैं अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए. अरे गिरीश, ऐसी फिल्म को प्रमोट करना, मार्केटिंग करना कितना चैलेंजिंग रहता है आपके लिए? आसान इसलिए होता है कि अपन इस फिल्म में बिलीव करते हैं. क्या होता है कि बहुत बड़ी फिल्म अगर है और बहुत बड़ी स्टार कास्ट है तो उसके लिए प्रमोशन बहुत इजी है. ऐसे फिल्म में हमको ज़्यादा चैलेंजिंग लगती है क्योंकि इसमें कंटेंट है और इसमें बहुत सारी नई चीज़ें की जा सकती हैं. फिल्म जब पूरी हमने देखी तो उसमें इतने सारे वर्टिकल्स हैं जहाँ पर हम प्रमोशनल प्लान्स बना सकते हैं. अपने ट्रेलर पर देख के आपको मालूम पड़ा कि उसमें साइकिल है. अब साइकिल के साथ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि कुछ सोशल चीज़ें पर काम कर रहे हैं. तो ये सारे एंगल्स यूज़ करके मार्केटिंग करने का ज़्यादा मज़ा होता है. तो ऐसा लगता है कि चैलेंजेस तो है लेकिन इसके साथ इसकी मार्केटिंग करने में जो सेटिस्फेक्शन होगा वो दूसरी फिल्मों से ज़्यादा बेहतर होगा. आयुष, इस फिल्म का बैकग्राउंड अपने गुजरात की पृष्ठभूमि रखने की खास वजह? नहीं, आप थोड़े करीब है लेकिन नहीं. माई प्रोड्यूसर मिस्टर सचिन इज फ्रॉम जामनगर और मोवान जहाँ पर हमने शूट किया, तो वो उनका विलेज है. एंड आई वॉज लुकिंग फॉर अ विलेज एंड एक आई थिंक फर्स्ट विजिट में ही मुझे लोकेशन इतने अच्छे लगे, इतने प्यारे लगे दैट मुझे लगा नहीं फिल्म को यहीं पर सेट होना चाहिए. नॉट बिकॉज प्रोड्यूसर कह रहा है,
लेकिन मुझे लगा एंड ही इज द बेस्ट प्रोड्यूसर आई वर्क विद बिकॉज उन्होंने मुझे हर तरह से क्रिएटिवली छूट दी थी. तो फ्रॉम द लोकेशन आप इसके बारे में कैसे. हेलो माइक चेक. कैश प्रोड्यूसर कैश. Okay, I and Yogesh, we know each other from theaters. We used to do theaters, Gujarati commercial theater, basically me. We used to do Hindi, Marathi, everything. So, हम लोगों ने काफ़ी टाइम पहले भी काफ़ी डिस्कस किया था कि एक मूवी करना है. बट जब हम लोगों ने ये एक ये जो कॉन्सेप्ट है ये शेयर किया, उसके बाद हम लोग इस पर वर्क करने का वी स्टार्टेड कि नो दिस इज़ द कंटेंट, दिस इज़ द सब्जेक्ट वी शुड डू. अगर मैं मेरा अगर पहला बेसिकली सचिन को लगा कि अगर ये मेरी पहली फिल्म हो तो इट शुड बी समथिंग डिफरेंट, समथिंग कंटेंट ओरिएंटेड होनी चाहिए. एंड thankfully he saw a content in this film yeah. and he said that let's produce this film. And actually when he started ke locations kuch aise hone chahiye ke ek mujhe ye ek dam chahiye ya mujhe ek ye tree chahiye ya mujhe ek aisa ghar chahiye, to main usko ek week ke baad leke gaya aur maine bola ye tera dam, ye tera ghar aur ye tera tree, right? And I loved it. I want to do it here only. It was not like force ke karna hai to yahi pe karo bhai, nahi to paisa nahi lena, nahi to kisi aur director ko le lenge. bachcho ki film mein Yogesh bahut kam banti hain. Ji sir, kya challenge kya raha aapke liye sir? I would just like to correct, ye do ek bachcha is film ka protagonist hai, lekin ye bachcho ki film nahi hai aur sirf bachcho ke liye nahi hai. It's a complete family film. ek mata, ek parent, ek bachcha, grandparents, sab saath mein baith ke. आजकल बहुत कम फिल्में होती है जो पूरा परिवार साथ में बैठ के देख सके, लेकिन थैंकफुली हमारे पास एक ऐसी फिल्म है जो पूरा परिवार साथ में बैठ के इसे कुछ एक अच्छा मैसेज सीख के जाए और एंटरटेन भी हो. आयुष, स्लमडॉग के बाद लाइक इट इज अ लॉन्ग गैप, लाइक यू नो यू कम फॉर दिस मूवी, व्हाट वाज द रीजन? यू आर गेटिंग ऑफर्स और or you were waiting for some good offer to come actually, kya tha? Well, I have done many things. After Slumdog, I even did many short films. And I even did a Marathi movie, Fakta Ladmana, by Mahesh Manjrekar. And I even did one movie, Gandhi of the Month, which is not released yet, but it will get released. And many ads were going. So I didn't stop acting for that. And this was one of the best projects I've ever done. So yeah. He's also done a commercial with Mr. Bachchan, Senior Bachchan. Yeah. Maggie, which Maggie. Banned recently for Maggie. Some XYZ reasons. I think it was quite different. मैंने अब तक जो फिल्में की हैं, अगर आप मेरा कैरेक्टर देखें, it's completely no makeup look and it's about this small family, गरीब घर के बच्चे हैं, माँ है. So I think it was quite challenging for me and I've always liked doing different stuff. So जब योगेश ने मुझे इस फिल्म के बारे में बताया था, I was very excited कि अच्छा जो मैं आज तक करती थी उससे कुछ अलग हटके है. So I think it was a challenge for me and I loved playing my character. Madam, your father is such a, father and brother are such big names in the industry. So does it help in the industry for you? I think I've never seen it that ways. I mean, ye film jo thi, I have done it because Yogi wanted me, I think. So I think, yeah, it does help, but it does not make you. You have to make yourself. आपको एक तरह से अपना प्लेटफॉर्म मिल जाता है, बट देन यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ टू स्टे ऑन दैट प्लेटफॉर्म. दैट्स व्हाट आई वाज जस्ट सेइंग कि मैंने अब तक वैसे कैरेक्टर्स किए हैं, इस फिल्म में मैं बिल्कुल रोमांस नहीं कर रही हूँ. सो दैट्स क्वाइट डिफरेंट दैट आई वांटेड टू डू फॉर वेरी लॉन्ग एंड थैंक्स टू योगी ही गेव मी द प्लेटफॉर्म टू डू दैट. एंड शी इज डन अ फैबुलस जॉब. यू व्हेन यू वॉच द फिल्म यू कम नो शी इज रियली डन अ गुड जॉब. आयुष, द डायरेक्टर जस्ट नाउ सेड कि ये बच्चों की फिल्म नहीं है, सो ही हैज गिवन यू खुशबू आल्सो. व्हाट डू यू हैव टू से? यू सी हिम ब्लशिंग. एक्चुअली एक सीन था जहाँ पर खुशबू के जगह अमिता ने उसको व्हाट वाज द नेम, सोनम के नाम से चिढ़ा रही थी. So we still searching for the Sonam, ab tak humko mili nahi hai. And sir, aapne, I would just like to come back to that question. Amita, as you said, her father is one of the
biggest personalities in the industry is doing so well. But Amita, ek friend hai isliye nahi keh raha hu, lekin aisi humble ladki maine aaj tak nahi dekha hai. And we all will agree on that because and she's been so cooperative even on the set. Kabhi bhi koi nakhre nahi, kuch nahi. And thanks to you for this. I take this as an opportunity. Well, I don't expect any attention because I don't want to spoil my childhood in that. And I want to have fun like regular kids and all. And I don't expect attention, different kind of attention. And even if I get that, I just bring them down. Please don't. I like it the normal way. That's very true about him. Sorry? Yeah, I'm hoping to. After a long gap, you have come to this film. Ji. Actually Bittu Boss ke baad I got married, so I took my time off, so now I don't think so. Now you will see me soon again. So you think you're very lucky, you're getting all the support from your husband also? Yeah, definitely. I mean, I have seen a lot of people where husbands are not okay with it, wife's working. I am very lucky to have a complete family where I have my father, my brother, my husband, and everybody is very supportive, so I consider myself very lucky.